दुनिया में बहुत गरीबी है, कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा चीज़ ब्रह्मांड में है जो गरीबी को जड़ से मिटा सकती है, तो यह आपको कल्पना जैसे लग सकती है। पर नहीं, सच में अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरी तरह से हीरे से बना है। आज हम देखने जा रहे हैं इस प्लैनेट पर क्या है, कैसे इस प्लैनेट पे हीरे बनते हैं, क्या हम इस प्लैनेट तक पहुंचकर हीरे ला सकते हैं। तो अपनी सीट का बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर के लिए। मैं हूं जैक्स, आप सभी का स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स पर। दोस्तों, हम अपने चैनल पर साइंस, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सोलर सिस्टम से सिर्फ 41 लाइट ईयर्स दूर एक आकर्षक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इस स्टार सिस्टम में बहुत से इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक प्लैनेट अद्भुत है। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे होते हैं जो केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। इनमें से एक तारा 55 कैंक्री ए हमारे सूर्य के समान है। यह तारा का रेडियस और मास हमारे सूर्य जितना है और इसकी चमक सूर्य के 60% है। दूसरा तारा 55 कैंक्री बी लगभग 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या कहें तो सूर्य से नेपच्यून की डिस्टेंस का 30 टाइम्स जितना दूर है। इसका रेडियस और मास सूर्य का 1/4 है और चमक सूर्य की तुलना में 1% से भी कम है। 55 कैंक्री ए जो बड़ा तारा है, इसके सबसे करीब परिक्रमा करता है 55 कैंक्री ई जो एक डायमंड प्लैनेट है। इसका नाम जैनसन रखा गया है। इस प्लैनेट की खोज 30 अगस्त 2004 में हुआ था। 55 कैंक्री का रेडियस पृथ्वी से लगभग 2 गुना है और इसका मास पृथ्वी से 7.9 टाइम्स ज्यादा है। इस प्लैनेट का सतह ग्रेफाइट और डायमंड से ढका हुआ है, जैसे पृथ्वी की सतह पानी और ग्रेनाइट से। इस प्लैनेट का 1/3 मास पूरा डायमंड का है। यह प्लैनेट देखने में बिल्कुल फायरबॉल लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह प्लैनेट डायमंड से भरा पड़ा है। यह एक वॉल्केनो प्लैनेट जैसे दिखता है क्योंकि यह अपने तारे से बहुत करीब है। 55 कैंक्री अपने तारे से 23 लाख किलोमीटर दूर है और 18 घंटे में अपनी तारे की पूरी परिक्रमा कर लेता है, जबकि हमारा सूरज का सबसे करीबी प्लैनेट मर्क्यूरी सूरज से 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या कहें तो अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ किलोमीटर दूर है। 55 कैंक्री ई अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, जिसका अर्थ है हमेशा इसका सेम साइड तारे की तरफ होता है और दूसरा साइड हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है। इसका डे साइड का टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा साइड का टेम्परेचर जो परमानेंटली अंधेरे में रहता है 1400 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लैनेट का एनालिसिस करने पर पहले हमें ऐसा लगा कि इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की एटमॉस्फेयर की तुलना में थोड़ा थिक हो सकता है और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे केमिकल्स हो सकते हैं। वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब उन्होंने इस प्लैनेट का गहरा अध्ययन किया। गहरे अध्ययन से पता चला पृथ्वी से इसकी कोई समानता, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। इसकी अपने तारे से निकटता देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट पर ज्वालामुखी के महासागर है। प्लैनेट पर कोई जमीन नहीं है, जहां तक नजर जाती है वहां तक हमें सिर्फ मॉल्टन रॉक्स यानी पिघले हुए चट्टान नजर आते हैं। ये ग्रह एक नर्क से कम नहीं और इसमें जीवन पनपने की कोई भी संभावना नहीं है। ये भी पता चला कि 55 कैंक्री में बड़ी मात्रा में कार्बन है, जिसके कारण ग्रह का 1/3 हिस्सा डायमंड से बना है, जिसका मतलब है कि वहां मौजूद अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पूरा ग्रह पर हीरे बिखरे हुए हो सकते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि ने सतह पर लाता है, क्योंकि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ग्रह का तापमान से अधिक है तो यहाँ हीरे पिघलते नहीं हैं। शायद हीरे फिर ज्वालामुखी के महासागर में डूब जाते होंगे, क्योंकि हीरे का डेंसिटी लावा से ज्यादा होता है। अब रही सवाल, क्या हम इस प्लैनेट पर जाके हीरे ला सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने दूर लाइट ईयर्स ट्रैवल करके इस प्लैनेट तक पहुंचे। शायद हम निकट भविष्य में इस प्लैनेट तक पहुंच पाएंगे, और तब तक ये रहस्यमय ग्रह हमारे लिए एक पहली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।